अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू सो मच निशांत, तुम्हारा ये झूठ एक बहुत बड़ा सच सबके सामने लाने वाला है। ये सब करके अगर मेरे छोटे मोटे गुनाह माफ हो सकते हैं तो ये मैं जरूर करूंगा। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए किया मैंने ये सब। अब मैं करूंगी सिया पर अपना अगला वार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को दहेज के केस में फंसाने की? और वो इंस्पेक्टर संजीवनी, वो भी तुम्हारी बातों में आ गई। जान बचाई थी मैंने उनकी, उनकी मदद कर रहा हूं मैं, और वो ये सिला दे रही है मेरी मदद का। पंच, हम ये बातें बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। नहीं जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये समीर से शादी करने का भूत अचानक कैसे सवार हो गया तुम्हारे ऊपर? तुमको पता है ना, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी जान लेने पे तुले हुए हैं वो लोग, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम्हें इसे क्या लेना देना, छोड़ो मेरा हाथ। बन छोड़ मुझे। वंश, एक मिनट, ये निशान, ये निशान तो जहर का निशान है। वंश, वंश क्या कर रहे हो तुम? वंश, वंश तुम्हें कुछ हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो। नहीं होगा मुझे। आओ, मेरी मेडिकल किट लेके आओ। आओ बैठो। मैंने तुम्हें जहर निकालने का इंजेक्शन दे दिया है, इस एंटीडोट से अब जहर नहीं फैलेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये घाव किसी तीखी चीज से लगे, कैसे लगा तुम्हें ये घाव? ये मंगल निकालने के लिए जो पेड़ आया था उसी से लगा होगा मुझे। सही कहा तुमने, इस पौधे में कांटा लगा हुआ है और इसमें जहर वाला केमिकल है। ये जहर धीरे धीरे चढ़ता है, चुपचाप, कुछ घंटे में तुम्हारी हालत। खैर मैंने अभी एंटीडोट दे दिया, अभी कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन ये कर कौन सकता है? अभी मैंने यहाँ किसी को भागते हुए देखा था, पता नहीं उसके चेहरे पे अजीब सा मेकअप था, और हाँ वो इस पौधे पर गिरा भी था। ये उसी गैंग का बॉस है, मतलब जिस जहर से वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, खुद ही उसकी चपेट में आ गया। अब उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, और मैं आसपास के सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, और जिस गैंग का बॉस पकड़ा जाएगा, पता चल जाएगा कौन है वो। वंश, तुम ये सब संजू मैम को बताओ, और हाँ प्लीज उस गैंग के लोगों से थोड़ा दूर ही रहना, वो लोग बहुत खतरनाक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी विधि के नाम पे लगे दाग को मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
फिर चाहे मैं मर भी जाऊं। मांच प्लीज, समझदारी से काम लो। तुम्हें मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? जाओ ख्याल रखो उस समीर का, कर लो शादी उससे। तुम्हारी आंखों में ना साफ दिखता है कि तुम समीर से प्यार नहीं करती। देखो मेरी तरफ, ये आंखें, इन आंखों में सिर्फ मेरे लिए हमदर्दी है। क्यों है ऐसा और क्या है ये? क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र, बताओ जवाब दो, क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र? क्योंकि तुम्हारे दो बच्चे हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लक्की नाम का आदमी यही है, हॉस्पिटल आने से पहले ही मर गया। यही है उनकी डेथ बॉडी। तुम नहीं मर सकते लक्की, नहीं मर सकते। जब मैंने उस गरीब उनसे शादी की थी और मैं खुश नहीं थी तो तुमने मेरा साथ दिया था, अपनी कहीं का हिस्सा बनाया था और मुझसे वादा किया था कि हम सारे काम साथ करेंगे, गैंग साथ मिलकर जाएंगे। ड्रग्स पकड़ी, हथियारों की तस्करी, पता नहीं और कितने काम हमने साथ किए हैं। तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और ये बॉम्ब ब्लास्ट, वो हमारा सबसे बड़ा मिशन था। उस संजीवनी के पति को हमने मारा था, सब कुछ हमने मिलकर किया था, तो तुम कैसे मर सकते हो? तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। अब मैं सब कुछ अकेले कैसे संभालूंगी, कैसे संभालूंगी? कबूल कर ही लिया।